सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की तीन बड़ी खबरों का। पश्चिम बंगाल के चुनाव के पांचवें दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी की तीन तीन रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करेंगे और गृहमंत्री भी आज रैली करेंगे, तो वहीं आज दो जनसभाओं को गृहमंत्री ने संबोधित करना है। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 63,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। उधर सरकार फैसला ले सकती है लॉकडाउन का, आज 11 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक है। तीसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी, हरिद्वार महाकुंभ में दूसरा शाही स्नान है। कोरोना गाइडलाइंस के पालन के बावजूद सुबह से लापरवाही नजर आ रही है। टेस्ट ट्रैक ट्रीट। एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 संबंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा। योग के बिना किसी का गुजारा नहीं, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है भस्त्री का। लो इम्यूनिटी वालों को ज्यादा खतरा तो है कोरोना, ऐसे में शीतल शीतकारी करें जिनको हाइपरटेंशन। सबसे पहले रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां महाराष्ट्र कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। कल कमेटी ने एक बार फिर से सिफारिश की थी कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है अगर कोरोना के बढ़ते केसेस को महाराष्ट्र में काबू करना है। वहीं उद्धव सरकार ने भी इसी चीज का संकेत दिया था। आज बेहद अहम बैठक होनी है, दोपहर को 11 बजे अहम बैठक होनी है। कल शाम को जब ये बैठक हुई थी उसके बाद ये बैठक दो घंटे तक चली थी। आज कैबिनेट की बैठक है, इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितने दिन का महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा। फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगातार चल रहा है, महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन भी है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में क्या लॉकडाउन की जरूरत है, इसकी सिफारिश पहले ही कमेटी द्वारा की गई थी। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक होनी। मैं आपको बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में कोरोना रोकने को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है, किस तरीके से मंथन चल रहा है। शनिवार को दरअसल उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। रविवार को उद्धव ठाकरे ने कोरोना को लेकर के टास्क फोर्स के साथ बैठक की थी, और इसी टास्क फोर्स ने ये कहा था कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, लॉकडाउन होना चाहिए। उद्धव ठाकरे की इस बैठक में आगे के रोड मैप पर चर्चा होगी। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होनी है और महाराष्ट्र सरकार सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक फैलाली कह सकते हैं लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रही है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई समेत लगभग पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन तेज होती जा रही है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। खुद सीएम उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि राज्य में लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन कब और कैसे हो। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार बैठक कर रही है। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज लगातार तीसरे दिन महाराष्ट्र सरकार की अहम बैठक होने वाली है। आज सुबह 11 बजे उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक लेंगे। माना जा रहा है कि राज्य में लॉकडाउन को किस तरह से लागू किया जाए, लोगों को कोई परेशानी ना हो, प्रवासी मजदूरों को पिछली बार की तरह समस्या ना हो, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से मंथन करने के बाद लॉकडाउन को लेकर फैसला हो सकता है। जानकारी के मुताबिक सब कुछ प्लानिंग के तहत रहा तो महाराष्ट्र में 14 अप्रैल के बाद से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना टास्क फोर्स की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन और बिस्तरों की उपलब्धता
रेमडेसिविर के इस्तेमाल, इलाज के नियमों, उपलब्ध केंद्रों की क्षमता बढ़ाने, कोविड नियमों के उल्लंघन पर पाबंदियां और जुर्माना लगाने पर चर्चा की। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के हालात ही ऐसे हैं कि यहां लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना टास्क फोर्स की बैठक की। इस दौरान सभी लोग एक बात पर सहमत थे कि लॉकडाउन लगाना ही होगा। बहुत से मजहब के त्यौहार अभी यही आने वाले यही हफ्ते में होने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रश्न है, सबसे बड़ा जो इम्तिहान है, वो ये है कि लोगों की जान हम कैसे बचा सके, लोग इससे ज्यादा इन्फेक्ट नहीं हुए वो कर सके, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में अगर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको सही तरीके से हम बेड्स दे सके, ऑक्सीजन बेड्स दे सके, आईसीयू बेड्स दे सके, एम्बुलेंस दे सके, और अगर कोई देहांत हो जाता है किसी का तो उसके लिए भविष्यवाणी दे सके ताकि वो ले जाके अपनी शमशान तक का पहुंचा सके, यानी अफरा तफरी का माहौल हमारे राज्य में न हो। महाराष्ट्र सरकार की इस पूरी कवायद के पीछे राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े हैं। देश में रोज 1.5 लाख कोरोना के केस मिल रहे हैं, इनमें से सिर्फ महाराष्ट्र में 40% है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,294 नए मामले मिले हैं। अकेले मुंबई में कोरोना के 9,979 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पुणे में एक दिन में कोरोना के 12,377 नए केस मिले, जबकि नागपुर में एक दिन में 7,201 लोग कोरोना संक्रमित हुए। हालात को देखते हुए मुंबईकरों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर मुंबई लोकल सेवा को आम जनता के लिए स्थगित किया जाएगा। वेस्टर्न रेलवे ने 368 आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं, इनमें से 128 आइसोलेशन कोच सिर्फ मुंबई डिवीजन में हैं। जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी संदेश साफ है, महाराष्ट्र एक बार फिर लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन मुश्किल ये है कि पिछले साल के अनुभव ने जनता से लेकर सरकार तक सबको संशय में डाल दिया है। मुंबई और उसकी लाइफलाइन फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन कब तक इसका जवाब है ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों तक, क्योंकि राज्य सरकार की पूरी मशीनरी लॉकडाउन की तैयारी में जुटी है। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से लॉकडाउन है उसका पूरा घटनाक्रम अगर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम अब तक चला है। महाराष्ट्र में देखना होगा कि कल कैबिनेट की बैठक होती है, फिर उस कैबिनेट की बैठक के बाद आज जिस तरीके से एक बड़ी बैठक होनी है उसी में ये फैसला लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना है या फिर नहीं लगाना है। ये बेहद अहम फैसला होगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है या फिर नहीं लगता है। वहीं इस बीच हरिद्वार में भी आज दूसरा शाही स्नान है। हरिद्वार में दूसरे शाही स्नान को लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं। आज सुबह से अगर हम बात करें तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहां पर मौजूद थी, लेकिन सुरक्षा नियमों का राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सुरक्षा नियमों का काफ़ी पालन किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल आज सुबह से सुरक्षा नियमों के पालन की बहुत ज़्यादा तस्वीर नहीं देखने को मिली है। इस वक्त हम बात करते हैं, हमारे साथ दिल्ली से रूफी जैदी मौजूद हैं, हमारे साथ नासिक से योगेश खड़े जुड़ रहे हैं, भोपाल से राहुल मिश्रा इस वक्त हमारा साथ देंगे, और साथ ही साथ जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ मौजूद हैं। रूफी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आज अहम बैठक होनी है और नजर ये है कि क्या आज से कंप्लीट लॉकडाउन महाराष्ट्र में होता है कि नहीं होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में कमेटी ने तो यही सिफारिश की थी, दिल्ली भी क्या इसी राह पर आगे बढ़ रहा है? हालांकि कल केजरीवाल ने कहा था कि फिलहाल कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत नहीं। जी सचिन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं होगा और वो नहीं चाहते कि कंप्लीट लॉकडाउन हो, लेकिन साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर बेड्स की संख्या खत्म हो जाएगी, अगर वेंटिलेटर के बेड ज़ीरो हो जाएंगे, कोविड के बेड ज़ीरो हो जाएंगे अस्पतालों में, तो कंप्लीट लॉकडाउन करना मजबूरी होगा। और आज की अगर हम तस्वीर देखें तो बहुत से जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर कोविड के जो बेड्स हैं वो अब ख़त्म होने लगे हैं, खासकर आईसीयू और वेंटिलेटर के बेड्स ख़त्म होने लगे हैं।
सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर अभी भी बेड्स बचे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कल की बात करें, रविवार को जो आंकड़ा आया वो 10,700 से ज़्यादा का था, और अगर यही ट्रेंड बना रहता है तो बहुत दिनों तक जो बेड्स हैं वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो दिल्ली वालों को ये सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो अपनी भूमिका निभाएं और जो लापरवाही है जो हम लगातार देख रहे हैं उसको कम किया जाए, क्योंकि जब तक वो लापरवाही कम नहीं होगी तब तक इसी तरह से जो आंकड़ा है वो बढ़ता जाएगा। इस वक्त मैं LNJP अस्पताल के बाहर हूँ, ये दिल्ली का एक सबसे बड़ा अस्पताल है कोरोना के लिए, और आज की मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ तो यहाँ पर ये जो गेट है अस्पताल का उसे बंद इसलिए किया गया है कि अब सिर्फ जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वही अंदर यहाँ से जा पाएँ, जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से जाने की अब इजाज़त नहीं है। यहाँ पर कोविड के जो बेड्स हैं अब वो भी बढ़ा दिए गए हैं, लगातार दिल्ली सरकार फ्रंट फुट पर है और लगातार वो कोशिशें की जा रही हैं जिससे कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। अगर आप बसों की बात करें तो बसों में लोगों को आज दफ्तर जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बसें सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही चल रही है, बाकी जो तमाम व्हीकल्स हैं, चाहे आप मेट्रो की बात करें, अगर आपको मेट्रो में ट्रैवल करना है तो मेट्रो भी 50% कैपेसिटी के साथ ही चल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से कोरोना के स्प्रेड को रोका जाए, क्योंकि दिल्ली में ये चौथी वेव है। नवंबर की अगर महीने की बात करें तो वहाँ पर भी इतने केसेस नहीं आए थे, 10,000 केसेस दर्ज नहीं हुए थे, लेकिन इस बार 10,000 से ज्यादा जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है और फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि दिल्ली में आंकड़ा कम होता हुआ अगले कुछ दिनों में दिखेगा। 4,000 रहे हों, फिर 5,000, फिर 7,000, और पिछले कल तो हमने देखा कि 10,000 को ये क्रॉस कर चुके हैं। मैं राजस्थान का रुख कर लेता हूँ, इस वक्त हमारे साथ अरुण हर्ष भी मौजूद है जोधपुर से। अरुण, राजस्थान का इस वक्त क्या रिपोर्ट है? सचिन, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से प्रदेश में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाने के साथ साथ लोगों में जागरूकता की कमी के कारण से दिनों दिन जो है राजस्थान में जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और यही कारण है कि आज सुबह हमने जोधपुर के रेलवे स्टेशन का जायजा लिया, वहाँ पर लोग हैं जो पलायन करने शुरू हो चुके हैं, यानी कि मजदूरों में और बाहरी जो लोग हैं उनमें डर सता रहा है कि कहीं लॉकडाउन नहीं लग जाए। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कल 5,000 से ज़्यादा मरीज आए थे, और जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं दिनों दिन वो मुख्यमंत्री की चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाने के मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है। हालांकि डोज की बात करूँगा, 4,00,000 डोज है जो केंद्र सरकार ने भेजी है, क्योंकि 2 दिन डोज की कमी के कारण से वैक्सीनेशन में कमी आई है, लेकिन लोग कह सकते हैं अभी भी आप देखिए ये कोविड वार्ड बनाया हुआ है जोधपुर में, और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो कोविड से पीड़ित है, उसके अलावा किसी लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही। मुख्यमंत्री हर संभव प्रयास कर रहे हैं, कल रात को जो जोधपुर में प्रशासन ने सख्ती की तो मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा सचिन, 2 घंटे में 15,000 लोग बाहर थे, यानी कि रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है उसकी लोग पालना नहीं कर रहे, और सरकार ये चाहती है कि जनता खुद पालना करे कोरोना गाइडलाइन की ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे सचिन। जाहिर सी बात है लोग जागरूक नहीं हो रहे, और लगातार खुद प्रधानमंत्री की भी अपील थी कि कम से कम जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, राज्य सरकार भी लगातार ये कह रही जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस बढ़ते वेव को, इस संक्रमण को रोका नहीं जा सकता है। अब योगेश, क्योंकि सबसे पहला जिस वक्त, क्योंकि अगर ये होगा कंप्लीट लॉकडाउन तो ये दूसरा लॉकडाउन होगा महाराष्ट्र में, और सबसे पहली अगर कोई खबर सामने आती वो ये होता है कि लोगों में डर आ जाता है कि फिलहाल चीज़ें कंप्लीट है कि नहीं, इस बार लॉकडाउन होगा तो कितने दिन के लिए होगा, आम लोग बेसिकली उनकी इसके ऊपर क्या नब्ज है और क्या वहां पर सावधानी बरत रहे हैं? अजी, सावधानी बरतने की बात तो सभी जगह पे उल्लंघन हो रहा है, महाराष्ट्र में सभी जगह पे देखा जा रहा है। हालांकि गए 8-10 दिनों से जो 80% लॉकडाउन तो लग चुका है, कई दुकानें जो है वो सब बंद रखी गई है, सिर्फ जीवनावश्यक दुकानें जो है, जो मेडिकल है, किराना है, या तो खाने पीने की चीज़ों की जो वही दुकानें यहाँ पर शुरू है, होटल्स भी बंद है, परमिट रूम्स बंद है, और सिर्फ पार्सल के जरिए उनको खाना मिल सकता है। हालांकि तैयारी जो है वो करीबन 8 दिनों से हो चुकी है, अब सिर्फ लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है जिससे लोग बाहर ना निकल पाए और जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिस्ट्रिक्शंस और कड़े हो जाए। तो अगर नासिक की आज की बात हम देखें तो करीबन 30% पॉजिटिव रेट है, और ये रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ये पहले 8 दिन पहले एक्चुअल 40 था, अभी 30 पर आ गया, लेकिन फिर से ये बढ़ रहा है, और डेथ की संख्या जो है वो बढ़ रही है, 30 से 40 डेथ रोज यहाँ पर नासिक डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। महाराष्ट्र की बात देखें तो महाराष्ट्र में भी ये रेट बढ़ी हुई है, और बेड्स
कोविड बेड्स, वेंटिलेटर बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स की किल्लत जोरों से हो रही है। कल रेमडेसिविर, ये जो मेडिसिन है जो कोरोना के लिए कारगर साबित होता है, उसके लिए लोग रस्ते पर थे, उन्होंने आंदोलन किया, उनको मेडिसिन नहीं मिल रहा है और उनके जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इसकी वजह से अगर बात देखें तो पैनिक सब जगह पे है और लोग मेडिसिन के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे भी कई सिचुएशंस है, जो रिलेटिव्स बाहर जा रहे हैं वो भी हॉटस्पॉट बन रहे हैं और हर कई जगह पे लोगों को पैनिक कर रहे हैं। बात होती थी, यहाँ तो दो दिन से बैठक चल रही है, सिर्फ अगर बात होती थी लॉकडाउन की, लोग घरों से बाहर निकल जाते थे, लोग अपना राशन इकट्ठा करना शुरू कर देते थे, मजदूरों के पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी हमने देखा महाराष्ट्र में और मुंबई में काफी दिनों से चल रहा है, और ऐसे में कोरोना के बढ़ते केसेस यानी कि जो मुसीबत है वो कहीं ना कहीं हर तरफ से आती हुई नजर आ रही है। राहुल इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, एक रिएक्शन आप मध्य प्रदेश का दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं रिपोर्ट करूंगा। देखिए, यदि मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो सरकार ने कई पाबंदियां यहां पे लगाई हैं। सीधे तौर पे यदि देखा जाए तो कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि जो दो दिनों का लॉकडाउन था, जो वीकेंड लॉकडाउन था, उसके बाद 19 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पन्ना हो, इंदौर हो, इन सभी जिलों में 19 तारीख तक का लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। उसके अलावा यदि बात किया जाए तो भोपाल में कोलार और शाहपुरा क्षेत्र है, क्योंकि 40% आबादी यदि कहा जाए भोपाल शहर का पूरा वहाँ पे बस्ती है और पॉजिटिविटी रेट भी वहाँ से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेज आ रहे थे, तो 9 दिन के लिए उसको लॉकडाउन किया गया है। अगले सोमवार तक वो लॉकडाउन किया गया है। उसके साथ ही साथ जो सरकार ने, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा और लॉकडाउन की जगह इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू में जो पहले लॉकडाउन में पाबंदियां होती थी कि औद्योगिक संस्थाएं या सीधे तौर पे कहा जाए व्यापारिक संस्थान हैं, इन सभी को रोका जाता था, उन सभी से कोताही रहेगी, उसको वो सभी खुले रहेंगे। उसमें ट्रांसपोर्टेशन की भी यदि बात किया जाए, ट्रांसपोर्ट भी खुला रहेगा, लेकिन लोगों के ऊपर सख्ती रहेगी, अनावश्यक बेवजह रोडों पर आना या उसके अलावा यदि कोई मास्क नहीं पहना है उस पर कड़ाई करना, ये सभी चीज़ें रहेंगी। भोपाल में आज जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जब बैठक होगी तो उस बैठक में ही कहीं सीधे तौर पर डिसाइड होगा कि भोपाल में अब आगे का कदम क्या उठाना है। हालांकि यदि देखा जाए तो इंदौर के बाद भोपाल दूसरे नंबर पर है, जहाँ पर पॉजिटिव केसेज के सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जबलपुर है, ग्वालियर है, ये सभी केवल इंदौर भोपाल नहीं, जैसा कि मैंने राजस्थान का भी रुख किया, नासिक का भी रुख किया, महाराष्ट्र का भी रुख किया और दिल्ली की इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जहां 10,000 से ज्यादा मामले आए हैं, तो कुल मिलाकर के पूरे भारत के अगर मैप पर नजर डालूं तो पूरे भारत में ये केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में केसेस आ रहे हैं और बहुत से ऐसे राज्य जिनमें केसेस कम हो रहे हैं, हर जगह पर केसेस बढ़ रहे हैं। अकेले के लिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है 15,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, तो वहां पर भी योगी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। तो ओवरऑल अगर भारत की बात करें तो हर राज्य में केसेस बढ़ चढ़कर ही आ रहे हैं। दिल वालों की दिल्ली इन दिनों रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन मुसीबत ये है कि ये रिकॉर्ड कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को लेकर है, किसी अच्छी पहल को लेकर नहीं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,774 नए संक्रमित मिले हैं, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। कोरोना की पहली लहर में भी इतने मामले नहीं मिले थे। इस दौरान दिल्ली में कोरोना के 48 मरीजों की मौत हो गई। 14 दिसंबर के बाद दिल्ली में कल सबसे ज्यादा मौतें हुई। 14 दिसंबर को दिल्ली में 60 मरीजों की मौत हो गई थी। जो नई गाइडलाइंस है एक बार फिर वो शनिवार को जारी की गई है, जिसके मुताबिक अगर आप किसी बार या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 50% ही उस रेस्टोरेंट में जितनी जगह है उसका 50% ऐसा हिस्सा होगा जिसे गेस्ट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना पर नई गाइडलाइंस के बाद यहाँ के रेस्टोरेंट में क्षमता से आधे गेस्ट को ही इजाजत दी जा रही है। दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली की बसों पर भी नई गाइडलाइंस का असर दिखने लगा है। डीटीसी की बसों में अब सिर्फ 50% सीटों पर ही यात्रियों को बिठाया जा रहा है। बसों में जब 50% यात्री पूरे हो जाते हैं तो ड्राइवर बस में सवारी नहीं लेता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वैक्सीन से सारी पाबंदियां हटा दी जाए ताकि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सके। हमारी कोरोना की गति बहुत धीमी है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है,
कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसे ज़रूरत है कि सरकार, हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है, हम घर घर जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। कोरोना के हालात सिर्फ दिल्ली में ही बुरे नहीं हैं। वैक्सीनेशन और बचाव के तमाम जतन के बीच भी उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। बीते चार दिन से संक्रमितों की नई संख्या का रिकॉर्ड अपने आप ही टूटता जा रहा है। यूपी में एक दिन में कोरोना के 15,353 नए केस मिले हैं। इनमें से सिर्फ लखनऊ में 4,444 केस हैं। हालात को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सर्वदलीय बैठक की। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ भी हालात की समीक्षा की। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को विजयी बनाने के लिए टीका उत्सव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जा रहा है। वाराणसी के गंगा घाट पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही लोगों को जाने की इजाजत होगी। यूपी के 20 से अधिक जिलों में प्रशासन नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने में लगा है। वहीं हरिद्वार में आज कुंभ का दूसरा शाही स्नान हो रहा है। अनुमान है कि आज हरिद्वार में 30 से 40 लाख श्रद्धालु स्नान करेंगे। आज अखाड़ों के भी स्नान होने हैं, इसे लेकर खासतौर पर व्यवस्था की गई है। कोविड संक्रमण के बीच हो रहे शाही स्नान के लिए खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन की चुनौती ये है कि लाखों लोगों के बीच सामाजिक दूरी कैसे बनाई जाएगी। आज हरिद्वार में नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह शाह भी साधु संतों के साथ शाही स्नान करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पहले ही 4 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। अब 3 और जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, सरगुजा और सूरजपुर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है लॉकडाउन की तरफ, क्या भारत के दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही, अगर संक्रमण बढ़ता रहा तो भारत के दूसरे राज्यों में भी क्या ऐसा ही हो सकता है, या फिर आप यहां पर एहतियात बरत करके इस लॉकडाउन को टाल सकते हैं और इस कोरोना को भी हरा सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि ट्रेस टेस्टिंग और यहां पर जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे हैं पूरे देश में किस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ नजर हमारी महाराष्ट्र पर भी है। महाराष्ट्र कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होनी है जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन महाराष्ट्र में कितना जरूरी है, क्योंकि कल जो कमेटी थी फास्ट ट्रैक कमेटी, उसने ये सिफारिश की थी कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन होना चाहिए। आज जब कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद वो तो सरकार ये फैसला लेगी कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन होता है कि नहीं होता। वहीं उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पर भी लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली में तो पिछले 24 घंटे की बात करें तो 10,000 से ज्यादा केसेज आए हैं। वहीं प्रधानमंत्री की एक अपील है, कल से क्योंकि टीका उत्सव की शुरुआत हुई है तो प्रधानमंत्री की अपील यह है कि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर के बिल्कुल भी कोताही बरतनी नहीं है। लगातार वैक्सीनेशन होता रहना चाहिए, वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए और तमाम जगहों पर जहां पर अब तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वहां पर वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व में पहला ऐसा देश बना है जहां 10 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है एक रिकॉर्ड समय में। तो सिर्फ महाराष्ट्र का जिक्र नहीं है, पूरे अगर भारत का जिक्र करें तो वहां पर भी लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो रिकॉर्ड आंकड़े आ ही रहे हैं। वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी ये आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं लगातार। यूपी में भी 15,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं। तेलंगाना में भी ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र अब पूर्ण लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी आंशिक लॉकडाउन चल ही रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन है। वहीं वाराणसी में गंगा घाटों पर सख्ती है। आज वाराणसी में क्योंकि जहां कुंभ में हरिद्वार में शाही स्नान है, दूसरा शाही स्नान है, वहीं वाराणसी के घाटों पर पाबंदी लगा दी गई है, घाटों पर जाने के लिए सख्ती है। वहीं एमपी में भी आंशिक लॉकडाउन चल रहा है। तो कुल मिलाकर के इन तस्वीरों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे भारत की इस वक्त की स्थिति क्या है।
और इस बीच किस तरीके से बचाव किया जाए, किस तरीके से इस बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, क्या कहना है स्वामी रामदेव का, ही सुनते हैं। इम्यूनिटी अच्छी होगी, पहली बात वो कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, और उसका लाइव एग्जांपल मैं हूँ। मुझसे मिले हुए सैकड़ों लोगों को कोरोना हुआ जो मुझसे मिले, लेकिन मैं उस संक्रमण से संक्रमित नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, हमें मास्क नहीं पहनना। माने ये सब करते हुए, मास्क पहनते हुए भी, जैसे सचिन तेंदुलकर जी, अक्षय कुमार जी जैसे अच्छे खिलाड़ियों को भी हो गया ना, तो एक तो होता हार्डवेयर हमारा, जो नॉर्मल जो जनरल फिजिकल वर्कआउट करते हैं उससे हमारे हार्डवेयर अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी इन्निट इम्यूनिटी है वो योग से बढ़ती है। दूसरी बात, इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, आपने अभी देखा होगा KGMU के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन को दो डोज लगाने के बावजूद, और उत्तराखंड में मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ 5-7 डॉक्टरों को जिनको दो डोज इंसुलिन लगाने के बावजूद कोरोना हो गया, जिनको पहले 6 महीने पहले कोरोना हुआ था उनको 6 महीने बाद दोबारा कोरोना हो गया। इसका मतलब योग के बिना किसी का गुजारा नहीं है, और आपकी इन्निट इम्यूनिटी को बढ़ाता है भस्त्रिका, भस्त्रिका करें 5 मिनट, 10-15 मिनट करें कपालभाति, 10-15 मिनट करें अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, फिर भ्रामरी उद्गीत, ओम, ये 5 प्राणायाम तो रामबाण है। आज से करीब 20 साल पहले मैंने जी न्यूज पर रामबाण शुरू किया था, और लोगों ने तब से पूरी दुनिया में जी नेटवर्क के माध्यम से मुझसे योग सीखा था। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये 5 प्राणायाम के साथ साथ जिनको हाइपरटेंशन है, क्योंकि जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनको लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ओबेसिटी है, महिलाएं हैं, लो इम्यूनिटी वालों को ज़्यादा खतरा तो है कोरोना का। ऐसे में शीतल शीतकारी करें जिनको हाइपरटेंशन है, शीतल शीतकारी, और जिनको गले की बहुत खराश रहती है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स है, वो उज्जाई भी साथ में कर ले, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना, होल्ड करके रखना, दाई को बंद करके बाहर से छोड़ देना। ये थी स्वामी रामदेव की एडवाइस। हम रूफी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ योगेश खरे नासिक से, भोपाल से राहुल मिश्रा हैं, और जोधपुर से इस वक्त अरुण हर्ष भी हमारे साथ हैं। रूफी एक बार फिर से मैं रुक करता हूं, ये तो कह दिया अरविंद केजरीवाल ने या मुख्यमंत्री ने कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन हो, लेकिन आगे बेड्स की अगर समस्या आती है, अगर वहां पर अस्पताल में बहुत ज्यादा संक्रमण की स्थिति आती है और भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो ऐसा कुछ सोचा भी जा सकता है। हालांकि नाइट कर्फ्यू तो ऑलरेडी चल रहा है, फिलहाल ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनके ऊपर एजेंसीज, हेल्थ मिनिस्ट्री और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं? सचिन, आप इस बात से समझ सकते हैं कि दिल्ली की स्थिति कितनी ख़राब है कि आज अरविंद केजरीवाल 12 बजे कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन होंगे, स्वास्थ्य सचिव होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव मौजूद होंगे, और फिर एक बार इस बात को समझा जाएगा कि दिल्ली में जो स्प्रेड हो रहा है कोरोना का, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि हमने शनिवार को देखा था कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10 के ऊपर चला गया था। और इस वक्त LNJP अस्पताल की क्या तस्वीर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। लोगों की परेशानियां एक बार फिर बढ़ती हुई, फिर यहाँ पर लोग परेशान, और लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके मरीज को इलाज नहीं मिल रहा है। कब से आपका जो पेशेंट है वो एडमिट है यहाँ पर? मैम, मैं तीन दिन से यहाँ पे मेरा मरीज एडमिट है, और अंदर उनके पास फ़ोन भेजे गए हैं, और फ़ोन से उन्होंने उनको यही बता रहे हैं कि कोई भी यहाँ का प्रशासन जो है वो कोई भी मतलब कुछ भी मतलब ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं दे रहा है। पानी के लिए बोल रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रही है, और भी दवाइयाँ उनको देखने के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हैं अब वो वार्ड में, पहले नॉर्मल वार्ड में था, दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं। ये भी उन्होंने बताया है कि यहाँ शायद नॉर्मल पानी वगैरह जो है उसे
फिल करके उन्हें उनको इस सिरिंज में दिया जा रहा है। अब आपके पेशेंट की क्या हालत है? अभी वो वेंटिलेटर पे चले गए हैं, पहले नॉर्मल थे, अभी वो वेंटिलेटर पे चले गए हैं, उसमें ऑक्सीजन लगा रखा है उन्होंने पाइप में। और मैंने सचिन, ये बात उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि कोरोना से बहुत कुछ नहीं होता है, आप ये सोचिए कि इनके जो पेशेंट है वो 3 दिन पहले वार्ड में थे, लेकिन जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी, अब उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। तो यहाँ पर लगातार दिल्ली में हालात बिगड़ते हुए और लोगों की अभी शिकायतें भी एक बार फिर से शुरू हो गई हैं कि इलाज अस्पताल में ठीक से नहीं हो रहा है। तो इस बात से समझा जा सकता है कि दिल्ली की हालत कितनी गंभीर है। एक और चीज है ना रूफी, पिछली बार तो क्या हुआ था, जिस वक्त स्थिति आई थी, क्योंकि उस वक्त स्थिति से निपटने के लिए कम से कम ये था कि एक तरफ कंप्लीट लॉकडाउन है, अस्पतालों को तैयार किया गया था, टेम्प्रेरी अस्पताल बनाए गए थे, वेंटिलेटर तैयार किए गए थे, बेड तैयार किए गए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोविड से रिलेटेड ही इलाज कर पा रहे थे। लेकिन फिलहाल जो ढिलाई है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आम आदमी ने ढिलाई बरती है, कहीं ना कहीं ये ढिलाई अस्पतालों की तरफ से भी है कि हर एक ने कहीं ना कहीं ऐसा इस तरीके या इस मोड में वो चले गए कि फिलहाल शायद अब कोरोना लौट करके नहीं आएगा, इसलिए अब बेड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब उसकी जरूरत पड़ रही है, जो कि और ज्यादा खतरनाक या फिर डराने वाली स्थिति है। योगेश, नासिक, क्योंकि आपने कहा कि नासिक में भी बहुत ज्यादा मौतें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ ही रहा है, वहां के अस्पतालों की स्थिति क्या है? आवाज आ रही योगेश आपको? नहीं है लगता है, अब योगेश तक आवाज नहीं पहुंची है। राहुल, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो क्या स्थिति मध्य प्रदेश के अस्पतालों की, इंदौर के अस्पताल की, भोपाल के अस्पताल की? देखिए, कई दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसमें कि सबसे बड़ी दिक्कत यदि जो सरकारी जो अस्पताल थे उन अस्पतालों में जो ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन को लेकर के जो सप्लाई थी या ऑक्सीजन को लेकर के किल्लतें देखने को मिली थी। साथ में साथ यदि देखा जाए तो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उस इंजेक्शन की भी किल्लत देखने को मिली थी, चाहे वो इंदौर हो चाहे भोपाल हो, तमाम जो क्षेत्र थे उन जगहों पे इस इंजेक्शन की किल्लत देखने को मिली थी। सरकार ने कई फैसले उसके बाद लिए, जिसमें कि क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा यहाँ मध्य प्रदेश में आता था, वहाँ से सप्लाई बंद करने की वजह से इन्हें दिक्कतें आई, तो केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी और केंद्र सरकार ने फिर उसके बाद टैंकर से यहाँ पर भिजवाए थे। पीयूष गोयल से जब बात हुई थी केंद्रीय मंत्री से, तो और पीयूष गोयल से भी और साथ में धर्मेंद्र प्रधान से बात हुई थी और उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, और इस समय यहाँ पर ऑक्सीजन मात्रा में मिलना शुरू भी हो गया है। लेकिन इंजेक्शन की किल्लत देखने को मिली थी, तो इंजेक्शन को अब सीधे तौर पे अस्पतालों को दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और अस्पताल ही उसके ऊपर निर्णय लेंगे किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए तो। उसके अलावा यदि देखा जाए जो कोविड केयर सेंटर थे, कोविड केयर, हालांकि ये तो वेबसाइट पर भी कहा गया है कि जितने की हॉस्पिटल वेबसाइट्स हैं उनको भी बताना होगा, कालाबाजारी बंद है, इंपोर्ट तक पर रोक लगाई गई है, लेकिन क्या ये रोक पहले भी लग सकती थी? क्योंकि बहुत वक्त से शिकायतें कहीं ना कहीं आ रही थी कि रेमडेसिविर जो है वो नहीं मिल रहा है, बहुत से लोग हैं जिनको ये इंजेक्शन चाहिए लेकिन ना दुकानों में है ना ये शहरों में मिल रहा है। एक तस्वीर इस वक्त मैं दिखाना चाहता हूँ, जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। वो तस्वीर ये है कि किस तरीके से लॉकडाउन का पालन नहीं करना, सख्ती होने के बावजूद उस सख्ती का पालन नहीं करना, फिर उसके बाद भी देखिए उन्हें सजा दी जा रही है, उठक बैठक करवाई जा रही है। पिछली बार तो ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा आया करती थी, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एक सबक है कि इन तस्वीरों की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, जब आपको मालूम है कि घर से आप बाहर निकल रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल स्थिति है और आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। अरुण हर्ष का मैं रुक कर लेता हूं इस वक्त जोधपुर का। अरुण, अगर मैं राजस्थान के हॉस्पिटल्स की बात करूं, जोधपुर के, जयपुर के हॉस्पिटल्स की बात करूं, क्योंकि पिछली बार जिस वक्त कोरोना की जो पहली लहर थी उस वक्त काफी ज्यादा इम्पैक्ट जयपुर के अस्पतालों पर हुआ था और जयपुर पर बहुत ज्यादा बोझ भी पड़ा था, तो राजस्थान के जो बाकी शहरों के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर फिलहाल किस तरीके की तैयारी, कितने बेड्स हैं? सचिन, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से प्रदेश में संक्रमित मरीज बढ़ रहे, पहली बार उदयपुर में 850 से ज़्यादा मरीज आए थे और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय, पहली बार उदयपुर में 850 मरीज आए थे, बात जोधपुर की करेंगे 650 के करीब मरीज आए थे, जयपुर की भी 600 से ज़्यादा, इस तरह से दिनों दिन जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह है। आप देख सकते हैं लोग जो सोशल डिस्टेंस की पालना करनी चाहिए वो यहाँ दिखाई नहीं देती है। कल देर रात को जब
जोधपुर में डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र सिंह ने अचानक नाकाबंदी की, रात्रिकालीन कर्फ्यू की, तो उस समय आप अंदाजा लगा सकते हैं करीब 3 घंटे में 15,000 व्हीकल को रोका गया। यानी कि सचिन लोग जागरूक नहीं है और लोग नाइट कर्फ्यू की पालना नहीं कर रहे, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि लोग ये देखिए बच्चा मासूम है, बच्चों की हम तस्वीर नहीं दिखा सकते लेकिन बच्चे के मास्क नहीं है, परिजन लेके आए, यही लापरवाही है जो लोगों के ऊपर भारी पड़ती है सचिन। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। पिछली बार की जो कोरोना संक्रमण गाइडलाइन थी और जो अनुभव था, वो अनुभव इस बार सेकेंड लहर जो आ रही है दूसरी लहर में, उसमें प्रशासन पालन कर रहा है, प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन सचिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। और कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इस वक्त जो अपडेट है पिछले 24 घंटों की, वो हम इस वक्त की अपडेट आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 168,912 मामले आए हैं और जो मौतों की संख्या है वो मौतों की संख्या 904 मौतें हुई हैं। अब आप ये देखिए कि रोज ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है कि एवरी डे, जिसे हम ये कहते हैं कि हर रोज ये आंकड़ा ना केवल बढ़ता चला जा रहा है, अगर हम ये कह रहे हैं कि कल भी देखिए हमने एक कोरोना को लेकर के एक बेहद अहम शो किया था जिसमें तमाम डॉक्टर्स मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोरोना 2.0 इतना ज़्यादा भयावह नहीं है, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए कि मौतों की संख्या जब पहले भी आया करती थी, इस बार जो मौतों की संख्या आ रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब लोग भी अगर ठीक हो रहे हैं लेकिन लोगों को ये परेशान भी कर रहा है, ना केवल परेशान कर रहा है बल्कि लोगों की मौत भी हो रही है। 904 लोगों की मौतों की संख्या आई है और कुल मिलाकर के मौतों की जो संख्या है वो 1,70,179 पहुंच गई है। देश में इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं, जो सक्रिय मामले हैं, वो इस वक्त 12,09,000 तक पहुंच गए हैं। कहां ये मामले बिल्कुल घटने की तरफ शुरू हो गए थे, ये मामले लगभग 5 से 6 लाख के करीब आ गए थे लगातार, क्योंकि 1,00,000, 1.5 लाख, 1,56,000 और आज 1,68,000 ये जो मामले आए हैं, तो कुल मिलाकर के ये मामले अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अब इस वेव का अंत क्या है, क्या वैक्सीनेशन ही सिर्फ एक वेव है, क्या वैक्सीनेशन ही सिर्फ इसका एक अंत है, या फिर यहां पर कड़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र आगे बढ़ा है।